मैं हिंदुस्तान की मुस्लिम बहनों को ऑफर दे रहा हूं कि हमारे हिंदू युवा बच्चों से विवाह करोगी तो पहला फायदा है, तीन तीन सौतनों को झेलना नहीं पड़ेगा। दूसरा फायदा है, बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगी। ऐसा आवाज चाहिए कि वहां तक जाना चाहिए। तीसरा फायदा, आपके जो बच्चे पैदा होंगे वो भगवान ने जैसे भेजे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई काट छाट नहीं होगी। चौथा फायदा, घर को मर्दों से पूरी सुरक्षा मिलेगी और घर के अंदर कोई अब्बू, कोई चाचू, कोई दादू हाथ नहीं डाल पाएगा, क्योंकि हमारे घर के अंदर हमारे संस्कारों में हमारे छोटे भाई की पत्नी हमारी बेटी होती है, हमारे बड़े भाई की पत्नी मां होती है, मौसी मां होती है, इसलिए घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी। पांचवा, 48 डिग्री टेम्परेचर में बुरखा नहीं पहनना पड़ेगा। छठा, पति के संपत्ति में बराबर की मालकिन रहोगी और हिंदू समाज के लिए देवी रहोगी। सातवा फायदा, तुमको कोई तीन बार तलाक तलाक कह के डायवोर्स नहीं दे सकता। आठवां फायदा, यह हिंदू धर्म का एक यूनिक प्रोडक्ट है, दर्शन है। यह प्रोडक्ट, यह ऑफर केवल हिंदू महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, यह पांच बार मस्जिद से बांध देने वाला मुल्ला के लिए भी है। और यह ऑफर यह है कि अगर हिंदू धर्म कबूल करोगे तो पुनर्जन्म की गारंटी रहेगी। उधर है क्या, इस्लाम में है क्या, ईसाइत में है क्या, कहीं नहीं है। अरे कई बार हमारे जीवन के सपने अधूरे रह जाते हैं, हमारी पुलिस वाली भगिनियां पुलिस में जॉब करने गई, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाई, कई चीजें नहीं कर पाई क्योंकि ड्यूटी बहुत लंबी है। तो एक जन्म में खत्म नहीं होगा, ईश्वर से प्रार्थना करेगी, अच्छे कर्म करेगी तो पुनः आ सकेगी। यहां यह व्यवस्था है और इसलिए यहां पर मर्यादित जीवन है और इसलिए पुनर्जन्म। नौवां फायदा, यह बताना है जाके, बताएंगे ना। नौवां फायदा, पति के साथ सात जन्मों का बंधन मिलेगा। अभी इस्लाम में निकाहनामा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, सात जन्मों का बंधन बिंधन नहीं है, निकाहनामा एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो पूछता है काजी कबूल, वो कहती है हां तो कबूल, जिस दिन ये तीन तलाक देता है खत्म। यहां सात जन्मों का है, वो चाहेगा तो भी छोड़ नहीं पाएगा, उसको संभालना होगा और इसलिए आओ, सात जन्मों की गारंटी है। दसवां और महत्वपूर्ण फायदा, यह भी केवल हिंदू के पास है, वो ये है कि कयामत के दिन तक, ये मनत असतं ना कयामत येणार आहे, यानी पुनः मुर्दे जीवंत होणार आहे, कयामत के दिन तक कबर में सोना नहीं पड़ेगा, अग्निदाह से अंत संस्कार होगा और 84 योनियों से पुनः मनुष्य बनने की संभावना रहेगी। तो ये 10 ऑफर मंजूर है।